वेलकम बैक, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भूषण रिसर्च लैब में। आज का वीडियो उन तमाम लोगों की जिंदगियां बदलने के लिए है जिनको कमर दर्द की तकलीफ है। जिंदगी में कभी ना कभी हर किसी को कमर में दर्द जरूर हो जाता है, उसकी कोई भी वजह हो सकती है। वात रोग से भी तकलीफ हो सकती है, या किसी ने कोई गलत सामान गलत तरीके से लिफ्ट कर लिया तब भी हो सकती है। बहुत सारी वजहें हैं कमर दर्द की, और आज आपको एक ऐसा नुस्खा, एक ऐसा जोरदार होम रेमेडी बताऊंगा जिससे ना सिर्फ कमर दर्द के पेशेंट्स को आराम मिलेगा, जिनको सर्वाइकल की तकलीफ है उनको भी आराम मिलेगा, और इवन अगर किसी के घुटने में सोजिश भी आ रही होगी, अगर वो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे डेफिनेटली बात बनेगी। बहुत गजब का फॉर्मूला बताने वाला हूं, साथ में उन लोगों के लिए भी एक रेडीमेड उपाय बताऊंगा जिनके पास समय की बड़ी तकलीफ रहती है कि समय नहीं है हमारे पास। और वो चीज बताऊंगा, जब मुझे कमर दर्द हुआ था, जब मुझे L4 L5 की प्रॉब्लम हुई थी कि रीढ़ की हड्डी जो नीचे से L4 L5 की प्रॉब्लम होती है कड़क देके आवाज आ गई थी, और उस दौरान बड़े से बड़े इंजेक्शन स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स लेने के बावजूद मुझे आराम नहीं आ पाया, और तब मैंने वो एक ऐसा आविष्कार किया जो मैंने दुनिया भर के लोगों को, हजारों लोगों को बताया, और उन सबको उससे आराम भी आया, और वो भी पहले एक घंटे के अंदर अंदर, और 24 घंटे में वो आराम आया जो कई लोगों को तो कई महीनों से नहीं आया था, राइट। तो आज का वीडियो कमर दर्द के ऊपर है, जिनको L4 L5 की प्रॉब्लम है, L5 S1 की प्रॉब्लम है। इवन मैं आपको एक और चीज फटाफट से बता देना चाहता हूं, वीडियो लंबा नहीं करना चाहूंगा, कि हमने वर्ल्ड की एक ऐसी पहली मशीन भी बना दी है जो घुटनों के दर्दों में तो काम करती है, यानी घुटने के ऑपरेशन से भी बचा देगी 90% केसेस में। 10% केसेस हमेशा ऐसे रहते हैं जिसमें ऑपरेशन कराना पड़ता है, लेकिन 90% केसेस में घुटने से, ऑपरेशन से बचा देती है। और वही मशीन अब साबित हो गया, हमारे जो जितने भी रिसर्च प्रोग्राम हुए, जितने हमने L4 L5 L5 S1 से पीड़ित लोगों को बताया, उस मशीन से एक्सरसाइज करवाई, तो पता चला कि उनकी समस्या जो सालों पुरानी समस्या थी जिसकी वजह से वो खड़े भी नहीं हो सकते थे, आधा आधा घंटा, 25 मिनट 20 मिनट 10 मिनट खड़े होना भी औखा था, वो सब आसान हो गया उस मशीन से। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको मशीन लेनी है, मैं सिर्फ एक आपको एक वो चीज बता रहा हूं जो हमने रिसर्च की है ताकि किसी को ऑपरेशन ना कराना पड़े, राइट। तो आज का वीडियो कमर दर्द के ऊपर, जिनको L4 L5 की प्रॉब्लम है, ठीक है, झटका लग गया, जिम में गए, आजकल यंगस्टर्स जो हैं रात को मूवी देखते हैं, अगले दिन प्रोग्राम बन जाता है कि भैया बढ़िया सी बॉडी बनानी है, ठीक है, तो जल्दबाजी में, या कह लीजिए कि जब थोड़ा सा जोश आया होता है तो उस टाइम पे कुछ इस तरीके से एक्सरसाइज कर ली कि झटका लग गया। वो झटका अगर 15-20 दिन महीने में ठीक हो जाएगा तो बहुत बढ़िया, अगर वो उतने समय में ठीक नहीं हो पाता है तो फिर ये आगे बढ़ती जाती है। इसलिए पेन किलर्स के ऊपर डिपेंड मत रहिए, पेन किलर कोई हल्की फुल्की दर्द है तो ठीक है, चलेगा पेन किलर, लेकिन अगर वाकई प्रॉब्लम है तो उसको सीरियसली लीजिए। अगर आप मान लीजिए किसी को जिम की वजह से है या किसी भी वजह से ज्यादा झटका लग गया है, एक्सरे करवाइए, बहुत ज्यादा समस्या आ रही है, नई तरीके से कुछ हो पा रहा है, आप मेरे साथ भी शेयर कर सकते हैं मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है अपनी रिपोर्ट्स को, राइट। तो सबसे पहले फॉर्मूला जान लेते हैं, बाकी सारी बातें छोड़ते हैं, ठीक है। फॉर्मूला लीजिए आप, पहले तीन चीजें आपको इसके अंदर इस्तेमाल करनी है। पहली चीज जो है वो है मेथी दाना, दूसरी चीज जो है वो है काली जीरी, ठीक है, और तीसरी चीज है अजवाइन। ये तीन चीजें सुनने में, देखने में इतनी आसान लगती हैं, बंदा कहता है यार ये तो ये काम करेगी भी कि नहीं करेगी, वाकई गजब का काम करती है, ना सिर्फ कमर में सर्वाइकल जैसी समस्या में भी काम कर देती है। जिनको सर्वाइकल की समस्या है, कमर दर्द साथ में है, जरूर इस्तेमाल कीजिए, राइट। तो अगर किसी को घुटने में सोजिश है उनको भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए, वाकई जोरदार है। और एक बात और है, बहुत सारे लोगों में मैंने ये देखा है, जब भी मैं किसी को फॉर्मूला बताता हूं अपने आसपास में, अपने नेटवर्क में, तो बहुत सारे लोग बताते हैं पहले 24 घंटे के अंदर अंदर, पहले फर्स्ट राउंड में ही उनको आराम का पता चलना शुरू हो जाता है कि यस आराम आ गया है, राइट। तो कितनी कितनी लेनी है और कैसे लेनी है वो मैं आपको बताता हूं। हाँ, एक चीज फटाफट से बताता हूं, एक तो मैं तेजी से इसलिए बोलता हूं वीडियो लंबा ना हो जाए, कई बार वीडियो लंबा हो जाता है, बहुत सारे लोग ना फिर बुरा मना जाते हैं कि आप लंबा वीडियो डाल देते हो, लेकिन क्या करूं, वो सारी बातें बतानी बहुत जरूरी है। दो चीजें ध्यान से सुननी है आपने, पहला कि अगर आपको कमर दर्द है ना तो चावल नहीं खाने, चावल बिल्कुल काटा है ऐसे क्रॉस, चाहे कुछ हो जाए, आप चाहे वेस्ट बंगाल में रहते हैं या किसी भी साउथ में रहते हैं, जहां भी हैं, चावल नहीं खाने जब तक कमर दर्द है, ठीक है। दूसरा, पेट साफ रखना है, कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं होने देनी। मैं आपको एक चीज की गारंटी देता हूं, अगर कब्ज रहेगी, कॉन्स्टिपेशन रहेगी, तो आप जितना मर्जी इलाज करा लो, जो मर्जी गोलियां खा लो, कैप्सूल खा लो, कुछ करा लो, कोई नुस्खा आजमा लो, नई बात बनेगी। ये दो चीजों का ध्यान रखना है, चावल नहीं खाने,
कब्ज होने नहीं देनी, और ठंडी खट्टी चीजों का परहेज, जहां पे भी आपको ठंडी खट्टी चीज नजर आ जाए, मसलन फटाफट बताता हूं उसके बाद मैं नुस्खा बताता हूं, इमली की चटनी, अचार, टमाटर, दही, लस्सी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, गोंद कतीरा, इन सब चीजों से परहेज। अब फॉर्मूला, जितना मैंने फॉर्मूला बताया है, 100 ग्राम मेथी दाना, 50 ग्राम काली जीरी, 50 ग्राम अजवाइन, तीनों को आपने हल्का हल्का भून लेना, पहले हल्का सा रोस्ट करना है जस्ट, ठीक है, हल्का सा रोस्ट करके, अलग अलग रोस्ट करना तीनों चीजों को, रोस्ट करके हल्का सा, और उसके बाद ठंडा करके इसको अच्छी तरह से पीस के एक मर्तबान में रख लीजिए। कोशिश कीजिए कांच का जार हो और उसमें आप एयर टाइट कंटेनर में इसको रख लीजिए, एयर टाइट कंटेनर ना भी हो तो भी चलेगा, अगर कांच का जार है तो उसमें आपने रख के, और तकरीबन 2 ग्राम यानी आधे चम्मच से थोड़ा सा कम, ठीक है, अगर टीस्पून की बात करें, आप टीस्पून की बात करो तो 1 टीस्पून जो छोटा चाय वाला चम्मच होता है वो 1 चम्मच, ठीक है, सुबह खाना खाने से 1 घंटा पहले, शाम को खाना खाने से 1 घंटा पहले आपने गुनगुने पानी के साथ लेना है, बस इतना करना है और आप देखेंगे गजब हो जाएगा। अगर किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, नसें दबी हुई हैं और साथ में पेन किलर भी लेना पड़ रहा है, तो आप ये कॉम्बिनेशन लेना बैटल बाम का, जो पहले 3 दिन में वो नजारा दिखाता है जो कई महीनों में नजारा आया होता, दूसरा बैटल ऑयल और तीसरा बेली ड्रॉप, ये वो कॉम्बिनेशन है जो कमाल कर देगा, कमाल, ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये पहले 24 घंटे में आपको बता देगा कि आपको कितना आराम है, ये उनके लिए जिनके पास समय नहीं है और रेडीमेड उपाय करना चाहते हैं। खाने वाली मेडिसिन की जरूरत है, एंटी स्वेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास जो मैंने फॉर्मूला बताया है उसको बनाने के लिए समय नहीं है, अगर समय है तो बेहतरीन फॉर्मूला है उसको बनाइए घर में, वाकई काम करेगा, और साथ में अगर आपने इन चीजों का इस्तेमाल कर दिया तो ये नसों को खोल देगा, ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा, ठीक है, नसें खुलनी शुरू हो जाएंगी, फ्रेश ब्लड जाएगा, फ्रेश ऑक्सीजन जाएगी, नसें खुलनी शुरू हो जाएगी, और पेन किलर की जरूरत खत्म हो जाएगी, राइट, स्टीरॉइड्स की जरूरत खत्म हो जाएगी, इन तमाम चीजों का इस्तेमाल कीजिए, परहेज का जरूर ख्याल रखना, परहेज आपने जरूर करना है चाहे कुछ हो जाए, राइट, और अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, हजारों नहीं लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं जिनको कमर में बड़ा भयानक दर्द है, उनको जरूरत है उस फॉर्मूले की, जरूर उनके साथ शेयर कीजिए ताकि सबका भला हो सके, राइट, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए और वीडियो को शेयर करने के लिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, खुश रहिए हमेशा, थैंक यू।